जब से हमने पहला वीडियो डाला है क्या कुछ नहीं हो गया। ये वर्ल्ड कप तो ओडीआई वर्ल्ड कप था ना यार, ये T20 वर्ल्ड कप कब से हो गया? ये बंदा इंजरी से वापस आया या क्रिस गेल के साथ उसके घर में वेकेशन मना रहा था? आते ही इतने चौके छक्के मारे भाई ने। आव्या मरन और प्रीति जिंटा तो एक दूसरे के बाल नोचने लगे कि ये मेरी टीम में रहेगा आईपीएल में, मेरी टीम में रहेगा। उसके हर चौके छक्के पर पैसे उड़ने लगे थे। इमाम उलक भाई प्रोटीन मांगते रह गए और ट्रेविस हेड ने आते ही कीवीज को कूट दिया। और दूसरे मैच में नागिनों की बीन बजाए गए नीदरलैंड्स वाले। 230 रन्स का टारगेट था केवल, पर फिर भी 87 रन्स के मार्जिन से जीते नीदरलैंड्स। और इसके मैन ऑफ द मैच रहे पॉल वैन मीकरन की, भाई क्या स्टोरी है, इंस्पिरेशनल। इन्होंने 2020 में एक ट्वीट किया था जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, मैं आज क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, मुझे उबर ईट्स में फूड डिलीवरी का काम करना ताकि मैं विंटर में बिल पे कर सकूं। इस ट्वीट में एक चीज काफी मजेदार थी, फनी हाउ थिंग्स चेंज, टाइम तो चेंज होता ही है। भाई मैन ऑफ द मैच ले गए, ऐसे परफॉर्मेंस देते हैं पाकिस्तान वालों, ये नहीं करते, प्रोटीन नहीं मिला, बिरयानी में इलायची नहीं मिली, दूध में चीनी नहीं मिली, इसलिए हार गए। DRS को लेकर साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान मैच में इतना बवाल मचा था इंटरनेट पर, भज्जी पाजी ऐसी डेंजरस सिचुएशन में आप ऑटोमेटिकली आगे क्यों आ जाते हो? बैड अंपायरिंग एंड बैड रूल्स कॉस्ट पाकिस्तान दिस गेम, ICC शुड चेंज दिस रूल। बहुत गालियां पड़ रही है इंटरनेट पर अब, और साउथ अफ्रीका के कैप्टन ग्रेम स्मिथ ने भी इन पर रिप्लाई किया था। भज्जी आई फील द सेम एज यू ऑन एम्पायर्स कॉल, बट रेसी एंड साउथ अफ्रीका कैन हैव द सेम फीलिंग ? तुम किसके कमेंट के साथ एग्री करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट ये DRS कॉन्ट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि ICC को खुद एक स्टेटमेंट के साथ आना पड़ा कि हाँ भाई साहब गलती हो गई थी, एरर थी। वो जो पहला इमेज था वो एरर था और बाद में उसको सही कर लिया गया था, तो ठीक है भाई चिल मारो, ICC वालों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फील आ रही है भाई कि जो एम्पायर्स कॉल वाली चीज है ना, ये हटने वाली है, क्योंकि यार एम्पायर का फैसले को ही तो चैलेंज करने के लिए DRS लेते हैं, फिर वो घूम के ऐसा क्यों बोल देता है कि एम्पायर्स कॉल, मतलब ये फाइनल डिसीजन तो उन्हीं के साइड से आना चाहिए ना। बांग्लादेश के थर्ड क्लास परफॉर्मेंस को देख के उनका शेर खुद ही बोलने लगा, सर्कस में मुजरा करवा ले भाई मेरे से, लेकिन मुझे बांग्लादेश टीम के लोगों से जल्दी निकाल। और मुशफिकुर रहीम भाई, वर्ल्ड कप में रिटायरमेंट लेने से पहले कुछ तो हिसाब बराबर करना पड़ेगा ना, कुछ याद आया? हैप्पीनेस इज दिस, हा हा हा, बांग्लादेश लॉस्ट अगेंस्ट नीदरलैंड, कर्मा बांग्लादेश अगेंस्ट नीदरलैंड। इंग्लैंड इन पॉइंट्स टेबल, अफगानिस्तान नीदरलैंड पाकिस्तान, पाकिस्तान छेड़ रही है भाई खुद नीचे आके। रीजन व्हाई सचिन वाजंट कैप्टन फॉर लॉन्ग, ये तो भाई जब हम कटिंग कराने जाते थे तो वो ऐसे सीट ऊपर कर देते ना बचपन में। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सम अप, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, फाइनली केशव महाराज ने बोला चला। पाकिस्तान टीम इन होटल, पाकिस्तान टीम इन ग्राउंड, जी जी जी, इतने गंदे हो यार तुम लोग, एकदम सच सच बोल देते हो। इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर अफ्रीका मैच, अब आप जा सकते हैं, बहुत हो गया आपका, अब और मत हारिए, अब आप सीधे घर जाइए। पाकिस्तान अपकमिंग मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, अभी तक तो गोल्डन पीरियड था, गोल्डन, अब पता नहीं क्या होगा, शनि आ गए हैं। जब बीवी ऐसी हो तो आदमी दुनिया जीत ले, ये तो फिर भी पाकिस्तान का मैच था। ट्रू ट्रू, क्या क्या ट्रू ट्रू, क्या वो अपनी कंट्री के लिए कर रहा है? मार्को जेंसन वर्सेस रिजवान, रिजवान भाई भी बहुत समझदारी से डिसीजन लेते हुए बाद में गले मिलने की अपॉर्चुनिटी दे दिए थे जेंसन को कि फालतू में ये हेट वेट छोड़ो यार, कौन कुटे खाएगा आपका चेहरा जब आप मैच भी हार जाएं और इंटरव्यू भी इंग्लिश में देना पड़े, बेचारे बाबूर भाई। व्हाट डिड यू से मेट, डेफिनेटली यू आर मी बैटिंग हिट यू फॉर, रिजवान भाई ने इतनी इंग्लिश बोली ना, मार्को जेंसन उर्दू पे आ गया कि भाई इंग्लिश मत बोल, उर्दू में लड़ ले। क्विंटन डिकॉक, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड बांग्लादेश पाकिस्तान, बाबर भाई अच्छा हुआ ये फोटो ब्लर कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो रहा था। वर्ल्ड कप से पहले बाबर के पास क्या बैठ गया, मेरी फॉर्म और टीम दोनों के लोड़े लगा दिए, बाबर भाई में है वो बात, रियल टैलेंट। भूपेंद्र जोगी, बाबर भाई से डराओ मत यार, सही में भूपेंद्र जोगी के अब्बा लग रहे हो। बाबर आजम इन वर्ल्ड कप, अपने को क्या, अपने को तो हाफ सेंचुरी से मतलब, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं अपशब्द के बच्चे, सच में यार एकदम आंख को ऐसा चमकाया कि भाई ये सच में वही देखा ना जो दिख रहा था, क्या हो गया ये एक मिनट में। बाबर आजम सिर्फ 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के आता है, ठीक है भाई 50 रन मारा, बाकी टीम तो वो भी नहीं कर रही। और भाई रणवीर सिंह आ गया तुझे भी कॉफी विद करण का स्वाद, राहुल भाई से अच्छा कौन जाने की बिना गलती के एल लगना क्या होते हैं भाई, स्केच हैरिस रॉफ गुड एक्टिंग, कोई भी क्लोज मैच हो और जय शाह को याद न करे ऐसा कैसे हो सकता है। ओसडी के बटलर जलील करवाने के लिए बुलाया था क्या रिटायरमेंट से वापस, आई कैन फील यू बेन स्टोक्स ब्रो। टॉप ODI रैंक होल्डर्स इन द वर्ल्ड कप 2023, रैंक 1, 2 एंड 3,
क्विंटन डिकॉक भाई का स्ट्राइक रेट देखो और अपने बाबूर भाई का देखो। पहले बैटिंग ले लिया, अब साउथ अफ्रीका 400 नहीं बना पाएगी। उधर टेम्बा बहुमा लॉर्ड है तो इधर बाबूर भाई भी लॉर्ड है। मीनवाइल मॉर्कल। बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी ऐसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और स्पाइक को मत भूल जाना। लिंक यार मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ स्टेक का, वहां से जाके रजिस्टर करो और 200% बोनस का फायदा उठाओ ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट।